السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين تمام. قسمك حمد سنة बड़ाई और बुज़र्गी अल्लाह जलाल वल इकराम के लिए लायक जेबा हैं जो सारी कायनात का अकेला खालिक मालिक और रज़ है वही अल्लाह ताला है जो अव्वल से है आखिर तक रहेगा उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं वो किसी की औलाद नहीं उसकी कोई औलाद नहीं अल्लाह अहद, अल्लाह अकेला है अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज़ है लम यलिद यूलद जना है और न जना गया है वलम यू कुफुवन अहद उसके बराबर कोई नहीं है दरुद सलाम हो तमाम नबियों पर खूस मेरे और आपके प्यारे नबी इमाम्बियाई वलमसलिन इमाम आदम काद आदम मुर्शद आदम जनाब महमदरसूल सल्ला तसल्म पर इलामलाई कत सलूनबी या एलन आमन वसल तसलीमा साल महमद वाल महमद कमा सल तैब्राहिम वाल ब्राहिम अन् का हमदुमजीदबारक अल महमद वाल महमद क़माबारक तब्राहीम वाल ब्राहिमा का हमदम मजीद, मजीद। साम हम आपकी ख़िदमत में एक नई सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल सवाल ये है क्या जो नेकियां हम करते हैं वो बर्बाद भी हो सकती हैं जवाब यह है कि हाँ वो नेकियां बर्बाद हो सकती हैं उसके पूरे के पूरे इम्कान हैं सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह तबारक ने और प्यारे नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अमाल करने का हुक्म दिया है शरीयत के अहकाम पर अमल करने का हुक्म दिया है जैसे नमाज है रोज़ा है हज है ज़क़ात है क़ुरबानी है सदका खैरात है ये अच्छे काम हैं इन तमाम चीज़ों के करने का हुक्म हमको दिया गया है इन तमाम कामों के इन तमाम अमाल के करने के साथ साथ हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर हम ऐसी गलती करते हैं या ऐसे काम करते हैं तो ये तमाम के तमाम अमाल अच्छाइयाँ नेकियाँ बर्बाद हो सकती हैं अकारत हो सकते हैं अल्लाह तबारक वाली इन तमाम चीज़ों को बर्बाद कर सकता है बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा ये हम एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं मसलन, एक आदमी लाखों और करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद एक घर बनाता है घर बनाने के बाद घर की छत पर पानी के एक टैंक का इंतज़ाम करता है घर उसने बना दिया टैंक भी लाया और उसमें पानी भर दिया पानी भरने के बाद रात में वो सोता है और सुबह जागने के बाद जब वो अपनी बाथरूम में पहुंचता है वॉशरूम में पहुंचता है तो क्या देखता है कि पानी आने के लिए तैयार नहीं वो इस पर गौर करता है कि मैंने तो रात में पानी भरा था टैंक फुल हो चुका था लेकिन क्या बात है पानी का एक कतरा भी नल में आने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जब वो परेशान होता है अपने घर की छत पर पहुंचता है टैंक में देखता है तो पानी का एक खतरा भी नहीं है इसका मतलब यह है कि पानी के टैंक में सुराख है जिसकी वजह से पानी जा रहा है जिस तरह एक आदमी पानी के टैंक में सुराख होने की वजह से उसको रखना पसंद नहीं करता या तो वो उसको रिपेयर करेगा या दुकानदार से कहेगा कि जनाब हमने आपसे इतने हजार में टैंक खरीदा था क्या बात है आपके टैंक के अंदर सुराख है पानी लीकेज हो रहा है तो जाहिर है आप उसको निकाल देंगे बदल लेंगे क्योंकि आपने उस पर रुपया पैसा खर्च किया है इसी तरह एक आदमी नेकियां करता जा रहा है अच्छे काम करता जा रहा है अल्लाह ताला तालीमात पर अमल कर रहा है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम भी कर रहा है जो सारी की सारी नेकियों को ख़त्म करते जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारी टैंक में सुराख है हम नेकियां तो कर रहे हैं लेकिन उस सुराख के जरिए से हमारी सारी नेकियां खत्म हो रही हैं निकल रही हैं पुराने करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे लोगों के बारे में क्या बयान फरमाया है जरा ये उस बात को हम जानते हैं और फिर उसके बाद पुराने करीम की आयात और प्यारे नबी जनाब वसल्लम के फरामीन पर गौर करते हैं कि नेकियां कैसे बर्बाद हो सकती हैं और नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल कौन से हैं सूरतुलगाशिया सूरा नंबर अठासी आयत नंबर दो से पांच के अंदर अल्लाह तबारक ने इशात फरमाया श हम कुरान करीम को समझ कर पढ़ने वाले बने होते तो आज हमारी ये नौबत ना आती अल्लाह तबार को तला ने फरमाया उजू हुई मिन ख्या उस दिन बहुत सारे चेहरे जलील होंगे यानी यामत की मंजरकी की जा रही है क्यामत के दिन कुछ चेहरे जलीलार होंगे नासिबा मेहनत करने की वजह से थके हुए होंगे उन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी उन्होंने रोजे रखे होंगे उनके पीशानी पर घट्टे होंगे और इबादत पर इबादत उन्होंने खूब किए होंगे तसला नारन हामिया उनके इबादत का नतीजा जन्नत होना चाहिए था तस्ला नारन हामिया अल्लाह तबार को तआला ने फरमाया कि हम उनको दहकती हुई आग में दाखिल करेंगे अल्लाह अकबर चेहरे जलील होंगे इंसान के नाम आमाल होंगे सब कुछ उसकी अच्छाइयां होंगी लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसको दहकती हुई आग के अंदर डाला जाएगा तुस्मिन आनिया इतना ही नहीं बल्कि निहायत गरम गरम चश्मे से उसको पानी पिलाया जाएगा इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर अमाल अच्छे किए होंगे लेकिन अच्छे अमाल के साथ साथ उन्होंने ऐसे गलत काम भी किए होंगे जिसकी वजह से उनकी नेकियां कोई काम नहीं देगी उनकी नेकियों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा बल्कि अल्लाह तबार को ताला उनको दहकती हुई आग के अंदर दाखिल करेगा मोहतरम सामियात गौर करने वाली बात यह है कि आज मुस्लिम माशरे के अंदर अगर हम एक नजर दौड़ाते हैं तो हमें हर जगह लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं और रोजा रखते हुए नजर आते हैं कुर्बानी करते हुए नजर आते हैं हज और उम्र करते हुए नजर आते हैं करने वाले कर तो रहे हैं अच्छाइयों को कर तो रहे हैं लेकिन क्या हमने कभी गौर किया ये सारी जिंदगी की इबादतें अकारत और बेकार हो जाएंगी और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक ताल ऐसे लोगों को जहन्नम में भी दाखिल करेगा आखिर वो कौन से अमाल हैं नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल में से सब सबसे पहली चीज है शिर्क सबसे पहली चीज यह शिर्क इतना बड़ा गुना है इतना बड़ा जुल्म है इतना बड़ा मुनकर है कि इस शिर्क की वजह से अल्लाह तबार व तआला इंसानों के नेकियों को बर्बाद कर देता है यानी जितने हम अच्छाइयां करते जाएंगे लेकिन शिरक से नहीं बचेंगे तो अल्लाह तबारक शिरक से न बचने की वजह से हमारे सारे के सारे नेकियों को बर्बाद कर देगा तबाह कर देगा यानी सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे हाल खाली रह जाएंगे जरा ये शिर्क क्या है और शिर्क के बारे में अल्लाह तबारक ने क्या बयान फरमाया है कुरान करीम की आयत हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं सूरह निशा सूरह नंबर चार

मुशरिक की मगफिरत नहीं करेगा यानि मुशरिक बख्शा नहीं जाएगा वो शख्स जो अल्लाह तबारक व की ज़ात में शिरक करता है अल्लाह को तो वह मानता है अल्लाह ताला की जात पर यकीन तो है लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने जाकर कुर्बानी करता है किसी और के सामने जाकर माथा टेकता है किसी और के सामने अपनी झोलियों को फैलाता है अल्लाह ने फरमाया कि मैं मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करूँगा मुशरिक की कभी मकफिरत नहीं होगी विरू मा नजाली कली मई अशा लेकिन अगर कोई आदमी गुनाह वाले काम करता है गलत काम करता है अगर उससे कोई शैतानी फरेब में कोई गुनाह का काम हो जाता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उसको माफ कर देंगे युशरिक बिल्ला और जो अल्लाह तआला के साथ शिर्क करता है फकदईदा बहुत दूर की गुमराही में जा गिरा तो मालूम क्या हुआ शिर्क एक ऐसा गुनाह है अल्लाह तबार को ताला हर गुनाह को माफ कर देता है लेकिन शिरक को कभी माफ नहीं करता हम नेकियां तो कर रहे हैं लेकिन शिरक की वजह से हमारी नेकियां बर्बाद भी हो रही हैं कुरान करीम का दूसरा मकाम आइए हम देखते हैं सुर मायदा सुरा नंबर पांच आयत नंबर बहत्तर में अल्लाह तला ने फरमाया

फकद हर्रम जन्नः अल्लाह तबारक तशरक के लिए जन्नत को हराम कर दिया हैन्नार उसका ठिकाना जहन्नम है मिन अंसार और वालिमों का कोई मददगार नहीं है मालूम यह हुआ कि शर्क इतना बड़ा गुना है अल्लाह तबारक वशरक के किसी नेकी को कबूल नहीं करता तो इसलिए अगर हम नेक काम कर रहे हैं अगर हम अच्छाइयाँ कर रहे हैं हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम शिरक जैसे गुनाह से भी अपने आप को बचाएं। आइए कुरान करीम का एक और मकाम मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। सूर्य फुरकान, सूर्य नंबर पच्चीस आयत नंबर तेईस में अल्लाह तबारक को तारा ने फरमाया वीमिल وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً अगर कोई शख्स नेकी पर नेकी करता है कल क्यामत के दिन जब उसके सामने तमाम चीजें रखी जाएंगी जो कुछ इंसान किया होगा वो सारा का सारा धरा रह जाएगा और हम उधर तवज्जो करेंगे उसको उड़ता हुआ गुबार बना देंगे मालूम ये हुआ जो कुछ हम नेकिया किए होंगे कल क्यामत के दिन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी वो उड़ता हुआ गुबार होगा वो गंदगी होगी वो कचरा होगा वो हवा में यूं उड़ जाएगा क्यों कि हमने नेकियों के साथ साथ शिरक किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ने नेकियों को खत्म कर दिया नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी और आपको ये भी मालूम होना चाहिए शिरक इतना बड़ा गुना है अगर शिरक ये अमल अंबिया भी कर लें तो अल्लाह तबारको तला उनकी नेकियों को भी अकारत कर दे उनकी नेकियों को भी जाय कर दे आइए कुरान करीम की वो आयत आपके सामने पेश करते चले अनाम, सुरा नंबर छः आयत नंबर अठासी में अठारह नबियों का अल्लाह तबारक ने पहले जिक्र किया है और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तला ने वलो अशरकू अगर ये अठारह अम्बी मुसलात इन्होंने भी शिर्क किया होता तो हम इनके अमाल को भी अकारत कर देते बेकार कर देते जाय कर देते अकबर नाजरीन व नाजरात सोचें और गौर करें आज हम क्या कर रहे हैं जब ये शिरक नबियों के आमाल को भी खत्म कर देता है तो हमारी नेकियां क्या हैं यहां तक के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमर सूरह नंबर उनतालीस आयत नंबर पैंसठ के अंदर इरशाद फरमाया वलकद ऊहिया इलैक वलकद ऊहिया इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक

हम आपके अमल को आपके नेकियों को जाय कर देंगे अकारत कर देंगे बेकार कर देंगे वाल तकून और आप भी खसारा उठाने वालों नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे तो मालूम क्या हुआ इस आयत करीमा में और इससे पहली वाली आयत में सबसे पहले यह बतलाया गया अगर शिरक भी करें तो हम उनकी नेकियों को अकारत और बर्बाद कर देंगे जाय कर देंगे और साथ में प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूल वसलम को अल्लाह तबारक ने आगाह किया और कहा अये नबी मोहतरम सल अगर आपने भी शिरक किया तो हम आपकी नेकियों को भी जाय कर देंगे जब अंबिया आल के नेकिया शिरक की वजह से महफूज नहीं रह सकती तो हमारी और आपकी नेकिया कैसे महफूज रह सकती हैं यहाँ एक सवाल हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा हो वो ये है क्या एक कलमा गो मुसलमान क्या एक मोमिन शिरक कर सकता है जवाब यह है कि हाँ हमसे शिरक हो सकता है एक मुसलमान शिरक कर सकता है एक मुसलमान से एक मोमिन से शिरक जैसा गुना हो सकता है दलील कुरान करीम की आयत है सूरा यूसुफ सूरा नंबर बारह आयत नंबर एक सौ छह में अल्लाह ताला ने फरमाया, मीन अक्सर बिल्ला वमायू मीन अक्सर बिल्ला ही वहुम मुश्रकू उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक हैं यानी कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह तआला को तो वो मानते हैं अल्लाह तबारक वाल को तो वो जानते हैं अल्लाह तबारक की जात का इकरार तो करते हैं लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो मुशरिक हैं मालूम ये हुआ कि कलमा पढ़ लेना कमाल नहीं है इस्लाम की तालीमत पर अमल कर लेना कमाल नहीं है नमाज रोजा हज जक़त ये अच्छाया, ये, अच्छाया, ये अमाल कर लेना कमाल नहीं है अपनी नेकियों को महफूज रखने के लिए कमाल तो यह है कि हम शिरक जैसे गुनाह से अपने आप को बचाएं और जब तक हम शिरक जैसे अजीम और बड़े गुनाह से अपने आप को नहीं बचाएंगे तब तक हमारी नेकियां बाकी नहीं रह सकती हैं जैसा कि हमने शुरू में कहा था वो ये है कि अगर सुराख हो किसी चीज में टैंक में सुराख हो किसी बाल्टी में सुराख हो और हम पानी पर पानी डालते जा रहे हैं लेकिन नीचे से सारा का सारा निकल रहा है अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं गलत पर गलत काम करते जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम जितनी नेकियां उसके अंदर डालते जाएंगे सारी की सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी बर्बाद हो जाएंगी पहले इन सुराखों को बंद कीजिए एक माने में यह है कि यह शिर्क हमारी नेकियों के टैंक में सबसे बड़ा सुराख है जिसके जरिए से हमारी नेकियां जा रही हैं इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक ने मुशरक के हक में मगफिरत की दुआ करने से प्यारे नबी जनाब रसोलम को मना किया है यानी इतना बड़ा गुना है कि अल्लाह तबारक ने नबी करीम सगाह किया आईंदा मुशरक के हक में मगफिरत की दुआ मत कीजिए आखिर करीम की आयत किसके बारे में नाजिल हुई पुरान करीम के उस मकाम को पेश करने से पहले यह जान लेना जरूरी है सही बुखारी तीन हजार आठ सौ चौरासी के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद ने खुद बयान फरमाया है चूंकि रसूल वसल्लम के चचा अबू तालिब उन्होंने रसूल सर तरह से खिदमत की सहारा बने रहे लेकिन नबी करीम सल वसलम परेशान रहते थे कि मेरे चचा को हिदायत नसीब नहीं हुई यहाँ तक के कुफ्र पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की मौत होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे चचा को हिदायत नहीं दी तो अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम को नाजिल करता है और यह बयान फरमाता है इन कला तहदी मन अहबबता आप जिसको चाहते हैं, हिदायत नहीं दे सकते अल्लाह तबारक जिसको चाहता है हिदायत देता है और साथ में अल्लाह तबारक ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को मुशरिकों के हक में दुआए मगफिरत करने से मना किया

गरीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो अगर चे के वो अब हमारे अपने ही क्यों ना हो मिम्बादी मा तबैयन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम इस बात के मालूम हो जाने के बाद कि वो असहाबुल जहीम है जहन्नम वाले हैं मालूम ये हुआ यहाँ फैसला कुन बात हो रही है कि जो भी मुशरिक है उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं हो सकती और मुशरिक जहन्नमी है मालूम क्या हुआ अगर कोई शख्स ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता है खूब नेकियां बटोरता है लेकिन शिरक जैसा अजीम गुनाह भी उसके पास है तो ये नेकियों को बर्बाद करने वाले अहमाल में से है हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो शिरक जैसे गुनाह को अपने आप से बचाने की कोशिश करें

मन का ना य और अबी ही फलियामल आमलहा जो अपने रब से मुलाकात करने की ख्वाश रखता है फलियामल उसको चाहिए कि नेक अमल करे अपना अमल साल बनाए अपना अमल खालिस अल्लाह के लिए करे अल्लाह की रजा के लिए करे उसके अंदर शिरक की मिलावट ना हो वलायु शर्क भी इबादत और अहदा और अपने रब की जब किसी को शर्क न ठहराए तो मालूम क्या हुआ शिरक एक बहुत बड़ा गुना है यह बहुत बड़ा मुनकर है यहां तक कि अल्लाह तआला ने पुराने करीम के अंदर एक और मकाम पर फरमाया इन नशर का अज़ीम यह बहुत बड़ा गुना है जुल्म अजीम है हर मुसलमान को चाहिए कि वो शिरक जैसे गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करे नाजरीन मैंने आपके सामने नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल में से पहली चीज शिर्क को पेश किया है इन शाह लगातार ये सिलसिला दुरुस्त का आपकी खिदमत में चलता रहेगा हम इन श्ला तबारक ताली नेकियों को बर्बाद करने वाली दूसरी चीज़ लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि रबालमीन हम तमाम को हर किस्म के शिरक से बचने की तोफ़ी अता फरमाएँ आमीन वाला नबीन महमदिन वाल आलि वसाबी अजमैी वसलम आलिकम वरह ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें